कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है, ऊपर लिखा हुआ अंजनी जी, गोली पृष्ठों का अपवर्तन और लेंस। गोली पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन ये चैप्टर है, और इसी चैप्टर में लेंस से रिलेटेड चीजें भी है। तो पहले हम आपको लेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर जो है गोली पृष्ठों से अपवर्तन कैसे होता है। समतल, अवतल, उत्तल, तीन प्रकार के गोली पृष्ठ होते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, और हर पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होगा, उनके लिए फार्मूला डेरिवेशन वगैरह है, पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए जरा सभी बच्चे, अगर बेटा हम कोई एक ऐसे तल ड्रा करते हैं कि ये दो माध्यमों को अलग करता हो, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि प्रकाश का अपवर्तन प्राप्त होता है, जो कि हमने पढ़ाया है, ठीक है। कि आपको बताए तो उदाहरण देकर याद करो कि अगर इस कमरे में यहाँ बीचों बीच दीवार ड्रा कर दें, और दीवार के इधर हवा हो, पीछे पूरा कांच रख दें, यहाँ एक बल्ब जलाएं, तो बल्ब से प्रकाश ऐसे निकलेगा। प्रकाश ऐसे ही बल्ब से निकला और हवा में ऐसे चलता रहेगा, लेकिन जैसे दीवार क्रॉस करके कांच में आएगा, उसका रास्ता डैमेज हो जाएगा, इधर या इधर, रास्ते से इधर उधर हो जाएगा, मुड़ जाएगा। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने और अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, ये एक ऐसा तल है जिस पर अपवर्तन हो रहा है, तो वह तल जहां अपवर्तन हो अपवर्तक तल कहलाता है। तो यही चीज समझिए जरा, जिस तल के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तन होता है वही तल अपवर्तक तल कहलाता है। यहां सुने सर, गौर से देखो, बोर्ड पर नहीं तो पाओगे। अपवर्तक तल, गौर से देखिए जरा, जिस तल पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है वही तल अपवर्तक तल कहलाता है। समझिए, जिस तल पर, जिस पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना संपन्न होती है या होती है, वही तल क्या कहलाता है, अपवर्तक तल। देखिए, जिस पृष्ठ या तल पर, जिस पृष्ठ या तल पर प्रकाश का अपवर्तन होता है वही तल अपवर्तक तल कहलाता है। गौर से देखिए, जिस पृष्ठ या जिस तल पर प्रकाश का अपवर्तन हो वही जो है अपवर्तक तल कहलाता है। इधर क्लियर, जिस तल या जिस पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन हो वही तल या वही पृष्ठ क्या कहलाता है, अपवर्तक तल। अपवर्तक तल बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, स्क्वायर जीते। ये अपवर्तक तल समतल अपवर्तक तल है। कौन सा अपवर्तक तल है बच्चों, समतल अपवर्तक तल। और ये जो है इस तरह से अवतल अपवर्तक तल है, और यह ये उत्तल अपवर्तक तल है। अब एक चीज और बताना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई अपवर्तक तल का सामने वाला पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, सामने वाला पृष्ठ समतल दिखे, तो वह जो है अपवर्तक तल समतल अपवर्तक तल कहलाता है। और अगर किसी अपवर्तक तल का सम्मुख पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ या धंसा हुआ दिखे तो वह अवतल अपवर्तक पृष्ठ होता है। और अगर किसी अपवर्तक पृष्ठ
का सम्मुख तल उबाला हुआ या उठा हुआ दिखे तो वो कौन सा जो है अपवर्तक तल होता है? उत्तल अपवर्तक तल। तो एक बार फिर से, जिस पृष्ठ या जिस तल पर अपवर्तन की घटना होती है वही तल अपवर्तक तल या अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठ कई प्रकार के होते हैं, समतल अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। समतल अपवर्तक पृष्ठ क्या है? जिस अपवर्तक तल का सम्मुख पृष्ठ समतल हो वह समतल अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, और जिस अपवर्तक पृष्ठ का सम्मुख तल अंदर की ओर दबा हुआ हो वह अवतल अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, और जिस जो है अपवर्तक तल का सम्मुख पृष्ठ उभरा हुआ या उठा हुआ हो उसे हम उत्तल अपवर्तक तल कहते हैं। एक बात और बता रहे, ट्रिक यहाँ पर जो है सुने सर, ट्रिक यह है उसमें कि जैसे अगर हमको कोई अपवर्तक तल देखना है इधर से अपनी ओर से, अपनी ओर से झांकेंगे तो ये पहला अपवर्तक पृष्ठ है, अब इधर से झांकेंगे तो दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है। तो अगर आप इधर से झांके तो ये अवतल है, लेकिन अगर इधर से झांके तो उत्तल है। तो जब दो दो पृष्ठ रहेंगे तो पहले वाले पृष्ठ को इधर से झांकना और दूसरे वाले पृष्ठ को उधर से, और तब अगर अंदर की ओर दबा हुआ दिखे तो अवतल बोलना और उभरा हुआ दिखे तो बात समझ जाए। अब अगर यही दो अपवर्तक पृष्ठ जोड़ दिए जाए, इसको इसको जोड़ दे, इसको इसको जोड़ दे, इसको इसको, चाहे जो दो अपवर्तक पृष्ठ यदि जोड़ दिए जाए, घेर दिए जाए, तो दो अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति या दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति लेंस कहलाती है। इज दैट ओके? चाचा रोहन समझ में आया? दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति या बंद आकृति लेंस कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, दो अपवर्तक पृष्ठों, बोर्ड पर देखिए, दो अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति या घिरी आकृति क्या कहलाती है? और आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि लेंस 7-8 प्रकार के होते हैं, और अगर एक लेंस की परिभाषा समझ जाओ तो सभी लेंसों की परिभाषा बना लोगे। इधर ध्यान दीजिए, अपवर्तक पृष्ठों के आधार पर लेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए जरा, देखो यहां पर ये कैसा अपवर्तक पृष्ठ है, और अगर जो है एक और अपवर्तक पृष्ठ बनाए हो तो क्या अपवर्तक पृष्ठ है? यहाँ तो दूसरे वाले उधर से देखेंगे ना, इधर से क्या है, ये अंदर की ओर अवतल है ना। तो अब यहाँ दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति लेंस बन गई, लेंस का नाम होगा समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। अब इसकी परिभाषा बनाओगे तो परिभाषा कैसे बनेगी? वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो समतल अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से हो जाए। देखो बताएं कि जिस तल पर अपवर्तन की घटना होती है वह तल अपवर्तक तल कहलाता है। अपवर्तक तल 3 प्रकार के होते हैं। अगर किसी अपवर्तक तल का सम्मुख पृष्ठ समतल हो तो वह कौन सा अपवर्तक तल है? समतल अपवर्तक तल। और अगर किसी अपवर्तक तल का पहला वाला पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ या धंसा हुआ हो तो वह अवतल अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। और अगर किसी अपवर्तक तल का सम्मुख पृष्ठ उभरा हुआ या उठा हुआ हो तो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। और दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति, देखो पहला वाला लेंस, पहला पृष्ठ कैसा है और दूसरा पृष्ठ, इसे कौन सा लेंस कहेंगे? पहले अपवर्तक पृष्ठ का नाम और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ का नाम मिला दो तो लेंस का नाम हो जाता है। समझ आया? एक बार और देखो, दिखाई
ये कौन सा पुस्तक पृष्ठ है, और इधर से देखो जरा उस साइड से, दूसरे वाले उधर से देखते हैं, तो कैसा है ये उत्तल, तो ये कौन सा लेंस हो गया, समतल उत्तल लेंस। परिभाषा बन जाएगी, जिस लेंस का पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस। अब इधर देखो, अगर कोई लेंस बनाए और पहला पृष्ठ कैसा दिख रहा है, अवतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा दिख रहा है, तो इसे कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल समतल लेंस, अवतल समतल लेंस। परिभाषा नाम से बन जा रही है ना, चित्र से, अपवर्तक पृष्ठों की आकृति के आधार पर लेंस का जो है परिभाषा बन जा रही है। अब अगर कोई लेंस बनाए, पहला पृष्ठ कैसा दिख रहा है, उत्तल, पहला इधर से देखेंगे उत्तल, और दूसरा पृष्ठ कैसा दिख रहा है, तो ये उत्तल समतल लेंस। परिभाषा कैसे बनेगी, जिस लेंस का पहला पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ समतल हो, उत्तल समतल लेंस कहलाता है। और देखिए ये कैसा पृष्ठ है, और एक और पृष्ठ बना दे, तो दूसरे वाले पृष्ठ को उधर से देखोगे ना, तो उधर से ये क्या दिख रहा है, उत्तल। तो इस लेंस को, माने वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल हो, कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल उत्तल लेंस। इधर क्लियर। अब अगर पहला पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा देखो कैसा है, अवतल, उधर से देखोगे अवतल, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल अवतल लेंस। परिभाषा कैसे बनेगी बच्चों, वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा उत्तल अवतल लेंस कहलाएगा। गौर से देखिए, ये पहला पृष्ठ कैसा दिख रहा है और दूसरा पृष्ठ कैसा दिख रहा है, अवतल, इधर से देखोगे ना दूसरे को, तो दोनों अवतल दिख रहे हैं। तो जब जो है किसी लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल हो, तो उसे उभय अवतल लेंस कहते हैं, उभय अवतल लेंस, या इसी को शॉर्टकट में केवल अवतल लेंस बोला जाता है, उभय अवतल लेंस या अवतल लेंस। परिभाषा कैसे बनेगी, जिस लेंस का पहला पृष्ठ अवतल हो और दूसरा भी अवतल हो, उभय अवतल लेंस या अवतल लेंस कहलाता है। गौर से देखिए, ये पहला पृष्ठ कैसे बना दिए और दूसरा पृष्ठ भी देखो कैसे बना दिए, इधर से देखो उत्तल, उधर से भी उत्तल, तो ये उभय उत्तल लेंस, या इसी को क्या कहते हैं बेटा, उत्तल लेंस। तो रियली लेंस इतने तरह के होते हैं। तो आप समझ गए, तो अपवर्तक देखो, यहाँ पर जो पढ़ाए क्लास में याद हो जाए ऐसा पढ़िए, सरल करके पढ़ाते हैं, ये भी आप देख रहे हो। तो अब आप समझो कि दो अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति या घिरी आकृति लेंस कहलाती है। अपवर्तक पृष्ठ कई प्रकार के होते हैं, इसलिए लेंस भी कई प्रकार के होते हैं। हर लेंस की परिभाषा खुद बना लोगे, कैसे बनाओगे, वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल, समतल अवतल लेंस कहलाता है। जिस लेंस का पहला पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। जिस लेंस का पहला पृष्ठ अवतल दूसरा समतल हो, अवतल समतल लेंस कहलाता है। जिस लेंस का पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा समतल हो, उत्तल समतल लेंस कहलाता है। जिस लेंस का पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल हो, अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। जिस लेंस का पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल हो, उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। जिस लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठ अवतल हो, उभय अवतल लेंस, और जिस लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, तो उभय उत्तल लेंस कहलाते हैं। पहले पृष्ठ को इधर से झांका करके दूसरे पृष्ठ को उधर से,
तब समझ में आएगा उत्तल अवतल वाली बात। क्लियर लेंस कुल इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं दोनों लेंसों को लेकर चलते हैं। जैसे आपको प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसमें बेटा दर्पण क्या होता है, दर्पण से संबंधित बिंदु क्या है, दर्पण से परावर्तन क्या है, तो वैसे यहाँ लेंस क्या है, लेंस से संबंधित बिंदु और लेंस से अपवर्तन कैसे होता है, लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंसों के लिए यूवी अप सूत्र क्या है, तो ये सारा भवकाल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे दर्पण था वैसे